खनन के दौरान निकला था 24 इंच का सोने का टुकड़ा। 1869 में आज ही विश्व का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा खनन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में मिला था। 24 इंच का यह टुकड़ा 71 किलोग्राम वजनी था। खनन कर्मियों को इसकी एवज तब $10,000 दिए गए थे, जो आज 7 लाख रुपए से अधिक है। अभी तक नहीं मिला लड़ाकू विमानों की टक्कर में गुम हुआ परमाणु बम। 1958 में आज ही जॉर्जिया के तट पर अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों के बीच हुई टक्कर में 3400 किलोग्राम वजनी मार्क 15 परमाणु बम टाइपी आइलैंड के पास जल में समा गया। तब से लगातार इसकी खोज जारी रही, लेकिन पता न चलने पर अब यह गुम की श्रेणी में दर्ज है। संस्कृत में अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं कवि आचार्य जानकी वल्लभ। बेहतरीन कवि और लेखक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म आज ही 1916 में गया बिहार के मेगरा गांव में हुआ था। काशी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, अलग अलग कॉलेजों में प्राध्यापक रहे। पहली रचना गोविंद गानम थी। शुरुआत में संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर हिंदी में लिखना शुरू किया। अंग्रेजी और बांग्ला भाषा पर भी अच्छी पकड़ थी। पहला गीत किसने बांसुरी बजाई काफ़ी लोकप्रिय हुआ। कहानियाँ, संस्मरण, उपन्यास, आत्मकथा और आलोचना भी लिखी। 7 अप्रैल 2011 को मुजफ्फरपुर में अंतिम सांस ली।